विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। चातुर्मास पूर्ण होने आया। ऐसे देखा जाए तो अगर ये अधिक महीना न होता, दो आसो महीने, अगर ये अधिक महीना नहीं होता तो चातुर्मास पूर्ण हो भी जाता। लेकिन इस वर्ष 5 महीने का चातुर्मास, अब 1 महीना भी नहीं बचा। इस चातुर्मास में कल्प सूत्र महाग्रंथ महाशास्त्र के मुताबिक ऐसे कहते हैं कि अगर किसी को भी अगर दीक्षा के भाव हो तो भी वो व्यक्ति चातुर्मास में दीक्षा नहीं ले सकता है। ऐसे कल्प सूत्र में प्ररूपण किया गया है। श्वेतांबरों में तो ये मान्यता है कि चातुर्मास में आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी साधकों से, सभी मुमुक्षुओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अब आ गया 1 महीना ही बचा है और 1 महीने के बाद आपके लिए संयम का मार्ग, आपके लिए संसार से अलिप्त रहने का मार्ग, आपके लिए निर्दोष और निष्पाप जीवन जीने का मार्ग अब नजदीक आ रहा है। थोड़ा तो आपको मन बनाना चाहिए। इतने साल संसार की आसक्ति में रहे, इतने साल भोग और विलास के अंदर डूबे रहे, इतने साल राग और द्वेष, विषय और कषाय, और इतने साल हो गए अभी भी वो वासना का भूत हमारे दिमाग से नहीं उतरता है। इस देह की आसक्ति, इंद्रियों की गुलामी, और आत्मा आज गुलाम बन चुका है, इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। इंद्रियों को जो चाहिए हम उसे दे रहे हैं, और इसीलिए हमारी इंद्रिया, चाहे वो स्पर्शनेन्द्रिय हो, रसनेन्द्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, चक्षुरेन्द्रिय हो, श्रोत्रेन्द्रिय हो, ये जो 5 ऑर्गन्स हमारे, हमें जो मिले हैं, आज इतने इतने वो बेफाम बन चुके हैं, वो इतने बहक चुके हैं कि हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। और इसी वजह से हम नित नए इतने निष्ठुर और इतने निकाचित कर्म का बंध हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे हमारा भविष्य दुखमय है, दर्दमय है, पापमय है। और इसी से अगर हमें अपने आत्मा को बचाना है, इसी से हमारे आत्मा को अगर अलिप्त रखना है, और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने, सिर्फ परमात्मा महावीर स्वामी जी नहीं, जितने भी तीर्थंकर हो गए, उन सभी तीर्थंकर परमात्मा हमेशा समव शरण में बैठकर सबसे पहला उपदेश सर्ववृत्ति धर्म का देते हैं। सर्ववृत्ति का मतलब ही है दीक्षा लेना। जो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए समर्थ है, योग्य है, उन सभी को दीक्षा दी जाती थी। और जो अपने इस संयम जीवन को का पालन करने के लिए अपने आप को असमर्थ समझते थे, नहीं अब मेरी इतनी मन की तैयारी नहीं है, या मेरा शरीर साथ नहीं देता है, और ऐसे कोई व्यक्ति अगर सर्ववृत्तीय ने दीक्षा नहीं ले सके, तो उनके लिए भगवान ने देशवृत्ति धर्म का प्ररूपण किया। अर्थात अगर आपको, अगर आप में पुरुषार्थ है, आपका पुण्य है, तो आपको तो दीक्षा ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका, अगर ऐसा पुरुषार्थ कहीं कम पड़ रहा है, कम से कम आप सच्चे श्रावक, सच्ची श्राविका, सच्चे साधक तो अवश्य बन सकते हैं। भावना तो यही रखनी है, अगर आपके सामने एक पक्की केरी है और एक कच्ची केरी है, कच्ची केरी खाए तो क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, और वही अगर मीठी केरी है, पक्की केरी है, तो बोलो उस केरी में से, उस मैंगो में से रस कैसे निकलेगा, मीठा। तो आप क्या पसंद करेंगे, संयम का पालन करना, दीक्षा का पालन करना, और वो जो संयम जीवन जो है वो पक्की केरी जैसा है, वो मैंगो जो पक चुका है जिसमें मीठा रस है, ऐसा जीवन यानी संयम जीवन है। और अगर जो कच्ची केरी यानी के जो हमारा जो संसारी जीवन है, जो आधि व्याधि उपाधि से भरा हुआ है, हर दिन देखो, हर दिन देखो हमारी मायूसी बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं इंसान इतना टेंशन और डिप्रेशन में चला गया है। छोटे लोगों को छोटी तकलीफ है और बड़े लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, और इसी के बीच में हम पूरे पीस चुके हैं,
हमारी हड्डी पसली एक हो चुकी है, कैसे संसार चलाना, कैसे दिन गुजारना, कैसे अपने परिवार को संभालना, कैसे अपने आप को संभालना, कैसे अपने मन को संभालना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने इसीलिए कहा कि साधक संसार में कुछ भी नहीं है, तेरा मन बना, संसार में इतनी विटमना, संसार में इतना दर्द, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना स्वार्थ, इतना राग, इतना द्वेष, इतना मोह, इतनी वासना, ये सब कुछ भर भर कर कुट कुट कर भरा है। और अगर तुझे इन सभी से मुक्त होना है तो एक पिंजरे के पंछी की तरह तुझे अपने आप को मुक्त करना चाहिए। पिंजरा का पंछी चाहे उसको खाना पीना सब कुछ भले मिले, फिर भी उसका फफड़ाहट होता है, तड़फड़ाहट होता है, वो तड़पता है क्योंकि उसे आजाद बनना है, उसे मुक्त गगन के और पंखी बनना वो पसंद करता है। और इसीलिए हमें भी संसार से अलविदा करनी चाहिए। अगर आप की उम्र हो चुकी है, बहुत कर लिया, हमने खाया पिया मौज मजा मस्ती सब कुछ कर लिया, अब नहीं बस ना, अब 40 हो गए, 50 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए, हमारा चिन शासन कितना महान है पूरे दुनिया के अंदर, एक हमारा ये साधु जीवन, चाहे दुनिया के किसी भी धर्म के साधु संत को लाकर रख दो, लेकिन एक जैन साधु का जो सच्चे जैन साधु का जो जीवन होता है, जो भगवान महावीर की आज्ञा का परिपालन करते हैं, देखो गेहूं है तो गेहूं में कंकर, तो सब जगह रहने वाले आपके आपके घर के गेहूं में भी कंकर है, पड़ोसी के गेहूं में भी कंकर, कंकर गेहूं है तो कंकर तो होंगे, हमें कंकर को नहीं देखना है, हमें गेहूं को देखना है। और इसलिए कहना चाहता हूं, समान जीवन में साधु जीवन में भी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का परिपालन करते हैं, ऐसे जो श्रमण श्रमणी है, जो साधु जैन साधु साध्वी जी है, जब उनका जीवन जब देखते हैं, दुनिया के सभी साधु संतों को, सन्यासी को, फकीर को, बाबा को, सबको लाकर रख दो, लेकिन जैन साधु का जो जीवन है उसकी तुलना में दुनिया के कोई साधु सन्यासी नहीं आ सकते। गाड़ी में नहीं बैठना, पैसे को नहीं छूना, कोई स्त्री को नहीं छूना, कच्चे पानी को नहीं छूना, स्नान नहीं करना, ब्रह्म स्नान वही तो स्नान होता है, सत्य स्नान वही तो स्नान होता है, इस देह की काया की आसक्ति उतारना, अपने बालों को खींच कर निकालना, सिर के बाल, दाढ़ी मूछ के बाल खींच खींच कर हर छह महीने में एक बार, हर छह महीने में एक बार हम उसको जो हम बाल खींच कर निकालते हैं उसे लोच कहते हैं, लोच, लुंचन कहो, लोच कहो, हम ये सहन करते हैं, समभाव से सहन करते हैं। घर घर पर भिक्षा जाना, गोचरी जाना, उसे हम गौचरी कहते हैं। जैसे गाय जो होती है ना, गौ यानी गाय, गाय जैसे चरती है, थोड़ा थोड़ा घास इधर उधर खाते खाते आगे बढ़ेंगी, वैसे हमें भगवान ने कहा जिसके घर में जो कुछ बना है, हमारे लिए नहीं, साधु साध्वी जी के लिए नहीं, खुद के लिए, उनके लिए जो बना है, चार में से आधी रोटी लो, एक रोटी लो, चार की चार रोटी नहीं वरनी हमें, नहीं लेनी है, लेकिन उन्हें भी तकलीफ ना हो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर एक घर में जा जाकर थोड़ी 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 गोचरी लेना है, भिक्षा लेना है, और उसी को गौचरी कहते हैं। साधु भगवान जैन साधु साध्वी जी की जो जो आहारचर्या होती है उसे गौचरी कहते हैं। और ऐसे हम लोग ऐसे घर घर जाकर हम भिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये साधु जीवन की मजा है, अलग ही मजा है, अलग ही मस्ती है, ना कोई रोटी का टेंशन, ना कपड़े का, ना मकान का टेंशन। श्रमण श्रमण श्रमणियों की सेवा वयावत भक्ति करने के लिए आज पूरा सकल श्री संघ खड़े पैर हाजिर होता है। हमारे इतने करोड़पति भक्त होते हुए भी हम पैदल पैदल गाड़ी का वाहन का त्याग कर कर हम पैदल पैदल जाएंगे। जैन साधु कभी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, कई बार रास्ते में हमको कभी कभी वो गाड़ी ट्रक वाले बोलते हैं, गाड़ी वाले बोलते हैं, महाराज जी बैठ जाओ गाड़ी में, आपको आगे छोड़ देते हैं। नहीं भाई, हम तो जैन साधु है, पैदल पैदल चलते हैं, हरि भगवान का नाम लेते हैं और गुणगान करते करते हम तो उन सभी जीवों को बचाने के लिए निकले हैं। चलते चलते भी हमारे पैर के नीचे कोई जीव मर न जाए तो नीची नज़र से देखकर और हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा संयम जीवन है। और ऐसा जीवन, उत्कृष्ट जीवन, मजे का जीवन, और ऐसा जीवन पाने के लिए बोलो, इतने संसार में तकलीफ है, दुख है, संकट है, रोग है, बीमारी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तकलीफ है, सब कुछ होते हुए भी एक सवाल है मेरा आप सभी से, इतने आप दुखी हो फिर भी आपको
दीक्षा के भाव क्यों नहीं होते हैं, आप संयम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों, घर में और भी है सब संभालने वाले? आप बोलेंगे नहीं कोई नहीं है, मुझे ही सब घर संभालना है, मैं नहीं तो फिर क्या होगा? देखो, अगर हमारी आँख बंद हो जाए, अगर हमारा आयुष्य पूरा हो जाए, अचानक हमें कोई हार्टफेल हो गया, हम मर गए, तो बोलो पीछे वाले क्या करेंगे? सब अपना अपना नसीब लेकर आए हैं, सब अपना अपना पुण्य लेकर आए हैं, वो हम गलत फहमी में है, मैं हूं तो ये मेरा घर, मैं हूं तो मेरा परिवार, मैं हूं तो मेरा कुटुंब, मैं हूं तो मेरा समाज, मैं हूं तो ये मंदिर, ये उपाश्रय, ये संस्था। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया से नेहरू जी भी गए, इंदिरा जी भी गए, राजीव गांधी जी भी गए, और सब गए फिर भी देखो तो आज भी ये भारत चल रहा है, दुनिया चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज विराग सागर जी आपके सामने दिख रहे, कल मैं भी इस दुनिया में नहीं होगा तो भी क्या, संसार थोड़ी, संसार का अंत होने वाला है। विराग सागर जी का अंत होगा, संसार का अंत नहीं होगा, सब चलेगा, ये पारस चैनल भी चलेगा, प्रवचन भी चलेंगे मेरी जगह पर, और कोई गुरु भगवान आएंगे। मेरे पास ऐसे भी फिलहाल अभी चार ही प्रवचन बचे, आज से गिनो तो चार प्रवचन बचे हैं, क्योंकि वापिस अभी कभी आगे देखेंगे, आगे आपको जरा अंदर से दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए, तो और भी आगे जाकर हम तत्वज्ञान के विषय अलग अलग सप्ताह का आयोजन, बहुत कुछ आपको सिखाना है, बहुत कुछ आपको समझाना है। फिलहाल तो अभी बस चार प्रवचन बाकी हैं, आज एक दो तीन और चार, 124 प्रवचन होंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। जो कुछ मेरी बातें, मेरे मन की बातें, परमात्मा की आज्ञा की बातें, ये तत्वज्ञान की बातें आप तक जो पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, तो अभी चार प्रवचन है, फिर उसके बाद जिनको जिनको भी अगर समझो और सुनना है, करना है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एक चैनल बनाई है विराग क्रांति वाणी, इस चैनल को आप जब भी YouTube पे आप जाएंगे आपको बहुत सारे प्रवचन मिलेंगे। जब जब भी आपको देखो, सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है, प्रवचन सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, प्रवचन का भी रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप सबको भूल जाएंगे। आज सुनेंगे, कल क्या सुना वो भूल जाए, वो भूल गए आप तो। तो मराठी में कहते हैं ना, पुढ़चा पुढ़चा पाठ अने मागचा सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज समझो 124 प्रवचन और बाकी भी बहुत सारे प्रवचन आपको विराग क्रांति वाणी YouTube चैनल पर मिलेंगे। आपको जब भी फुर्सत मिले आप सुनते रहो, उसके ऊपर एग्जाम भी लेने वाले हैं, 10-10 एपिसोड, 20-20 एपिसोड, वो सब कुछ आपको उस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और लास्ट में जो प्रवचन होंगे हमारे, आगे का पूरा शेड्यूल आपको समझाया जाएगा। लेकिन आज इतना ही मुझे कहना है कि आपके मन को वैरागी बनाओ, आपके मन को, आपके बुद्धि को वैरागी बनाओ। आप पूरा संसार छोड़ सकते तो छोड़ो संसार को, लात मारो इस पुद्गल के सुखों को, इस शरीर के सुखों को। आज से पूरा यूटर होना चाहिए, हमें आसक्त नहीं बनाए न खाने में, न पीने में, न कपड़े में, न हरने फरने घूमने में। आसक्ति कभी मत रखो। आपने है ना वो नैया देखिए, नैया नाव जो होती है, नाव शिप, वो कहाँ चलती है, जमीन पर या फिर पानी में? पानी में। आपको भी पता है कि वो नाव चलती है पानी में, यानी पानी में नाव चलती है, लेकिन क्या नाव में पानी चलता है क्या? नहीं। क्यों? नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी, वो शिप डूब जाएगी। इसलिए श्रावक संसार में रहा है तब तक चलेगा, श्रावक दीक्षा नहीं ले सका और अगर संसार में रहा तब चलेगा, लेकिन श्रावक में संसार नहीं रहना चाहिए। आप बराबर समझना, श्रावक संसार में रहेगा चलेगा, लेकिन श्रावक में संसार नहीं रहना चाहिए। हमें वो आसक्ति नहीं लगानी है, नहीं रखनी है। मैं तो आज आह्वान करता हूँ कि मुझे इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो मैं तो चाहता हूँ आप आइए, आप बोलोगे कौन दीक्षा देगा, कौन संभालेगा हमें? आपको संयम की भावना है, आपको दीक्षा की भावना है, आप छोड़ो, देव गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास रखो, आप आइए हमारे पास, हम एक श्रमण सेना खड़ी करेंगे, श्रमण सेना, कि जो श्रमण सेना पूरे भारत के अंदर घूमेगी, और हम हर हर राज्य में, हर नगर में, हर गांव गांव में, हर गली गली में हम जिन शासन का झंडा लहराएंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों के अंदर हम अपने श्रावकों को, हम पंडित जी को भेजेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, देश विदेश, पूरे दुनिया के अंदर जिन शासन जिंदाबाद, इस नारे को हम हर हर
देश विदेश में हर जगह पर गुंजाएंगे। उसके लिए टीम वर्क चाहिए, श्रमण सेना चाहिए, श्रावक सेना चाहिए, युवा सेना चाहिए, लाभार्थी सेना चाहिए। सब होगा तब होगा, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आप ये मत सोचना कि अभी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे कौन संभालेगा। अगर आपके थोड़े बहुत भी हाथ पैर चल रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको संभालेंगे। हम एक बार आपसे बातचीत करेंगे, हम आपको जांचेंगे, लगेगा योग्य, आप में आपका हमारा जम गया तो देखो बेड़ा पार, आपका भी और जिन शासन को इतना बड़ा महालाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको, जिनको भी छोटे बड़े भाई बहन, जिनके भी मन में वैराग्य है, जिनको भी थोड़ा बहुत संसार से अब जो उब चुके हैं, चाहे फिर वो कौन सा भी वैराग्य हो, दुख गर्भित हो, मोह गर्भित हो या ज्ञान गर्भित हो, लेकिन वैराग्य तो वैराग्य होता है। दुख से भी उपकर लोग दीक्षा लेते हैं, कभी मोह से भी दीक्षा लेते हैं, और ज्ञान गर्भित वैराग्य सर्वश्रेष्ठ वैराग्य होता है। लेकिन आपको अगर भावना है तो मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि संसार को अभी क्या, अभी संसार में है क्या, मुझे बताए ना संसार में है क्या। मैं आपको बताऊं, देखो हमारे पीछे तीन शत्रु लगे हुए, तीन शत्रु हमारे पीछे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा ये और रोग, ये सब कुछ हमारे पीछे लगा हुआ है। परसों, आज नहीं कल नहीं परसों, तो आप परसों के दिन याद रखना, कल तो प्रवचन सुनना ही सुनना है, लेकिन परसों आपको दो दिन मिल रहे हैं, पोस्टकार्ड ढूंढ लेना, पोस्टकार्ड लेकर आना, घर के जितने मेंबर्स है सब अपना अपना एक पोस्टकार्ड लेकर बैठना या एक कागज पेन लेकर बैठना। क्या करना उसका आपको कल बताया जाएगा, लेकिन आप तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो महाराज महाविष्णु भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुश्री महाराज की जय हो। धनापुरा निवासी श्रीमान शाह छगन लाल जी शेषमल जी बोराणा राठौर, धर्म पत्नी सौभाग्यवती कमला बेन, सुपुत्र आकाश बादल, पुत्र वधु सौभाग्यवती वंदना सौभाग्यवती मनीषा, सुपुत्री सौभाग्यवती नीलम केतन सुराणा पुणे, सौभाग्यवती बरखा जितेंद्र जैन अलीबाग, लिटिल स्टार्स अक्षत देशना वंश हर्ष जैना, फर्म बाफना हार्डवेयर स्टोर्स अलीबाग महाराष्ट्र एवं प्राणिक गाय का घी शुद्धता का संकल्प पुणे, मरुधर में मोकलसर हाल भायंदर निवासी श्रीमती प्रेमलता देवी भंवर लाल जी बाफना, पुत्र पुत्र वधु हेमलता ललित कुमार, रेखा दिनेश कुमार, कीर्ति राकेश कुमार, पिंकी प्रकाश कुमार, पौत्र पौत्री वरुण खुशी जैनम जनक रिद्धि जश। अकाउंट डिटेल्स, विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 9160200063058333, IFSC कोड UTIB000 2863, पैन कार्ड नंबर AACTV111A, ATG अवेलेबल।